गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन चाट रेसिपी डाइटिंग करने वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रोटीन से भरपूर है ये सोयाबीन। सोया भी बोलते हैं इसको, सोया चंक बोलते हैं इसको। अब मैं इसको चाट बनाऊंगी, देखिए किस तरीके से बनाऊंगी। ये मैंने गरम पानी लिया है और उसमें मैंने रख दिया है, एक कटोरी लिया है मैंने सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। एक उबाल तक आने तक इसको इसमें उबाल आने दूंगी, एक उबाल। उसके बाद मैं इसको छान लूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको उबाल आने दूंगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं कैसे बना रही हूँ रेसिपी। देखिए इसमें बॉयल आ रहा है, सिर्फ एक ही बॉयल लगाना है इसमें, ये अच्छे से पक जाता है। उसके बाद बताऊँगी मुझे क्या करना है। देखिए इसके लिए सामग्री ले लेते हैं। ये मैं ले लूँगी हरी सब्जी, ये पत्ता गोभी, मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, कट कर लिया पत्ता गोभी। प्याज और गाजर को मैंने कट कर लिया है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ एक चम्मच देसी घी। देसी घी में मैं डाल दूँगी। ये प्याज मैंने एक काट रखी है, चॉप कर रखी है मैंने पतली, तो मैं इसको डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल भूनने दूँगी, बस 5-7 सेकंड इसको भूनने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गाजर और पत्ता गोभी, इसमें डाल के इसको भून लूँगी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। उसी तरीके से अब इसको भून लीजिए, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको 2-4 बार ऐसे कलछी से चला लेना है। उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा ढक ढक कर पकाऊंगी। देखिए कुछ इस तरीके से इसको चला लेना है, ये जले ना, आप लोग ध्यान रखें। मैंने ढक लिया है, अब इसको मैं चलाती रहूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी बॉईल की हुई सोयाबीन भी मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है, क्योंकि हम मसाला तो इसमें कुछ भी डाल नहीं रहे। मसाला डाइटिंग करने वालों के लिए मसाला अच्छा नहीं होता है, सिंपल सादा खाना उनके लिए बनता है। डाइट का जो भी खाना बनता है वो बिल्कुल सादा होता है। अब इसमें मैं डालूँगी सिंधा नमक, ये बहुत लाइट वेट नमक होता है, उसको मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है। अब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे सपोर्ट करती हैं। मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर डालूँगी, आप लोग बिल्कुल देखिएगा। अब चलिए देखिए, मैंने इसको ढक दिया था, अब ढक कर हटा लूँगी। अब ढक्कन हटा के इसको चला लूँगी, जले ना, बिल्कुल भी ना जले, इसका ध्यान रखें आप लोग। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। कुछ लोग होते हैं बॉईल करके वैसे ही खा लेते हैं, लेकिन वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इस तरीके से बनाएं जो डाइट कर रहे हो उनके लिए है। और वैसे भी बच्चे भी खा सकते हैं, सोयाबीन तो सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है तो खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना था ये, बच्चे खाए थे। इसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजिए बच्चों के लिए। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, ये बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनके तैयार होती है।
आप लोग को भी पसंद आए आप लोग भी बना के देखिए, बच्चे भी खा सकते हैं इसको। बच्चे खाएं तो थोड़ा सा इसमें बटर डाल दीजिए। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मुझे सपोर्ट करें।